सोलन में यातायात नियमों की उल्लंघना करने पर पुलिस द्वारा सशक्त कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। जो भी नियम तोड़ता पाया जाता है उस पर तुरंत कड़ी कार्रवाई करते हुए 500 रुपए से लेकर 5000 रुपए तक का चालान किया जा रहा है। यह जानकारी एएसपी अशोक शर्मा ने मीडिया को दी। उन्होंने बताया कि सोलन जिला में यातायात नियमों की बहुत ज्यादा उल्लंघना की जा रही है। बिना हेलमेट डाले युवा दुपहिया वाहन चला रहे हैं, जिस कारण दुर्घटनाओं में युवाओं को अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ रहा है। ज्यादातर कार चालक सीट बेल्ट नहीं लगा रहे हैं, जिसके चलते सोलन पुलिस ने सख्त कार्रवाई अमल में लाई है और उनके चलान कर उन्हें भविष्य में नियमों की उल्लंघना न करने की नसीहत दी है। अधिक जानकारी देते हुए एएसपी अशोक शर्मा ने बताया कि पुलिस ने सोलन जिला में यातायात नियमों की उल्लंघना करने वालों पर सख्त कार्रवाई अमल में लाई है, जिसके तहत जनवरी माह से लेकर सितंबर माह तक तकरीबन 56,000 रुपए के चालान काटे गए हैं और 1,15,39,000 रुपया जुर्माना भी लगाया गया है। उन्होंने कहा कि सोलन पुलिस की सख्ती लगातार बढ़ती जा रही है और किसी भी व्यक्ति को नियमों की उल्लंघना करते पाया जाता है उसे बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने बताया कि चालान बिना हेलमेट के दोपहिया वाहन चलाने वालों के साथ साथ रैश ड्राइविंग और ड्रंक एंड ड्राइव के तहत किए गए हैं। जिला सोलन पुलिस ने जिला सोलन में अभी तक एमवी एक्ट की जो वायलेशंस थी उसमें 56,015 चालान किए हैं, जिसमें 1,15,39,200 रुपये जुर्माना वसूल किया है। तो ये ट्रैफिक की विभिन्न विभिन्न धाराओं की जो उल्लंघना है उसमें ये चालान किए गए हैं और लोगों को जो है वो फाइन किया गया है। हम यही लोगों से निवेदन करते हैं कि मोटर वाहन अधिनियम की जो है रूल्स का और एक्ट का पालन करें ताकि उनके चालान ना हो। ये इसमें विदाउट हेलमेट भी हैं और रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग भी है, ड्रंकन ड्राइविंग के भी हैं, ऑल किस्म की जो ट्रैफिक की वायलेशंस हैं वो सब चालान इसमें किए गए हैं।